हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित शर्मा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। तो एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 से 2। ये फंक्शन लिखा हुआ है लॉग एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। हमें पे दिख रहा है एक साफ साफ कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 पे और एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक, आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा काम बन जाए। ठीक, देखिए यहाँ ब्रेक किया है हमने, लेकिन और इन्फाइनाइट है भी नहीं। 0 से इन्फाइनाइट होता तो ब्रेक करते तो बात भी थी कोई, लेकिन यहाँ हमने 0 से ए से 2 में ब्रेक किया। ठीक, तो ए समथिंग कोई नंबर होगा 0 से ए से 2 में। ठीक, तो हमें चेक करना है कन्वर्जेंस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे जब, तो एफ एक्स फंक्शन ये है। म्यू टेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास म्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो समथिंग ये हो गया इफ़ यू टेक म्यू बिटवीन 0 से 1। म्यू की वैल्यू हम 0 से 1 में अगर लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स देन डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट बाई म्यू टेस्ट। ठीक, डी एक्स इज कन्वर्जेंट बाई म्यू टेस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कन्वर्जेंस एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पे कन्वर्जेंस देखेंगे तो ये हमने लिमिट लगाई। लिमिट क्यों क्यों लगा रहे हैं, हम म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इस वजह से। लिमिट एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू, हम लोग देखिए फॉर्मूला याद है ना, पूरे पिछले वीडियोज़ देखिए। ठीक है, वहाँ हमने म्यू टेस्ट बताया फॉर सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब लिमिट वाई गोज़ टू 0, वाई की पावर म्यू। देखिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि 2 माइनस एक्स बहुत ही बड़ी वैल्यू हो रही थी। ठीक है, तो हमने समथिंग सॉरी, यहाँ पे हो कह रहे हैं एक्चुअली, ये देखना होगा हमें क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए 2 माइनस एक्स गायब हो गया, 2 माइनस एक्स गायब हो गया, यानी कि वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स हमने रखा है यहाँ पे। ठीक, तो हमने किया किया जब ऐसा कुछ किया, ये फेर बदल आपको करना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को हम अपने सूटेबल सेट कर लें, इस वजह से हमने फेर बदल किया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी पावर है मैथमेटिक्स की दुनिया में। लॉग टू, सॉरी थोड़ा आवाज़ हो रही है, व्हेन म्यू इक्वल टू हाफ ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। ठीक, दस दिस इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये इंटीग्रल भी हमारा, सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा, तो ये इंटीग्रल भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए फिर शुरू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।